एक बार एक गांव में एक तपस्वी साधु रहते थे जो अपने सादगी और त्याग के लिए प्रसिद्ध थे। वहीं गांव में एक स्त्री भी रहती थी जिसे लोग चरित्रहीन कहकर तिरस्कार करते थे। समाज के ताने और अपमान से उसका जीवन दुखमय हो गया था। वह स्त्री साधु के पास आई और रोते हुए बोली, महाराज मेरा जीवन व्यर्थ है, सब मुझे अपमानित करते हैं, क्या मैं इतनी बुरी हूँ? साधु ने मुस्कुराते हुए उसे शांत किया और कहा, पानी की एक बूंद कीचड़ में गिरे तो वह गंदी कहलाती है, लेकिन कमल पर गिरे तो पवित्र। तुम्हारा मूल्य इस बात से नहीं है कि लोग क्या कहते हैं, बल्कि इस बात से है कि तुम अपने आप को क्या समझती हो। साधु के शब्दों ने स्त्री के दिल को छू लिया। उसने अपने जीवन को बदलने का संकल्प लिया, लेकिन समाज ने उसे स्वीकार नहीं किया। अतः एक दिन लोगों की उपेक्षा और पांव से तंग आकर उसने अपने प्राण त्याग दिए। साधु ने उसके लिए प्रार्थना की और कहा, यह समाज ही अंधा है जिसके एक पवित्र आत्मा को खो दिया। यह कहानी बताती है कि समाज के नजरिए से नहीं बल्कि अपने नजरिए से खुद को देखना चाहिए।